जो राज्य जो चिकित्सा विद्या महाविद्यालय हैं वहाँ पे इनका इंटर्नशिप की व्यवस्था हो, कोई भी व्यक्ति इंटर्न से पैसा नहीं लेगा। और राज्य सरकार अपने कॉलेजेस में जो विभिन्न इंटर्न्स को पैसा देती थी, मानदेय जो है वह इनको भी दिया होगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगे। वहीं आपको बता दें कि संविदा पर बहाल हुए नियोजित जो कर्मी हैं उन्हें नियमित करने का फैसला लिया गया है। और इतना ही नहीं, विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फैसला लिया गया है कि उन सभी को अब राज्य के जितने भी मेडिकल विश्वविद्यालय हैं उन्हीं में इंटर्नशिप करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। इसके एवज में जो इंटर्न होंगे उनसे किसी भी तरीके से कोई भी फीस लेने की बात जो है वो नहीं कही गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। आयुर्विज्ञान स्नातक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद स्टेट मेडिकल काउंसिल में निबंधन के क्रम में इंटर्नशिप हेतु राज्य में के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इंटर्नशिप की सुविधा देने। तो राज्य में जो आपको याद होगा कोरोना में बहुत सारे विदेश से स्टूडेंट्स राज्य लौट आए थे और पूरे देश में लौट आए थे, तो विभिन्न राज्यों में यह व्यवस्था की गई है। जो राज्य जो चिकित्सा विद्या महाविद्यालय हैं वहाँ पर इनका इंटर्नशिप की व्यवस्था हो, और इसकी एक सीमा भी है 7.5% जो टोटल इंटर्नशिप है उसके अंतर्गत ही 7.5% के अंतर्गत लिमिट के अंतर्गत ही भेजे जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटर्न से पैसा नहीं लेगा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं। और राज्य सरकार अपने कॉलेजेस में जो विभिन्न इंटर्न्स को पैसा देती थी, मानदेय जो है वह इनको भी दिया होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अन्य देशों से जो कोरोना काल में वापस हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स देश आ गए थे उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो आपने सुना कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स थे, मेडिकल स्टूडेंट्स जो बाहर में दूसरे जगह रह रहे थे और कोरोना के समय में वापस अपने राज्य लौटे थे, उन सभी को राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें इंटर्नशिप करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। और इसके एवज में अस्पताल की तरफ से किसी भी तरीके से कोई भी फीस या चार्जेस जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये खासकर उनके लिए ही किया जा रहा है जो कोरोना का समय जब आया था उस समय ये लोग बाहर फंसे हुए थे और स्थिति को देखते हुए अपने अपने राज्य लौटे थे। तमाम चीजों के बारे में जानकारी दिया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, वीडियो देखें, धन्यवाद।